पेमेंट बनता है सर, क्या डाउन पेमेंट इस सब पे बनेगा इसका? 30%। हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए ले आए हैं निंजा 500, और ये बाइक जो आप देख रहे हैं 400 के जगह पे ही आ रहा है, क्योंकि 400 डिसकंटिन्यू हो गया, उसके सेम एक्सोरम प्राइस पे ही बाइक आ रहा है। और इसके एक्सोरम प्राइस की बात करें तो 5,24,000 है। उसके अलावा इसमें कलर की बात करें तो सिंगल कलर आ रहा है, ब्लैक कलर। इसमें ब्रांड की बात करें तो सिंगल ब्रांड ही आ रहा है। और ये गाड़ी में क्या क्या फीचर दिया गया, सारा टॉपिक हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा इस बाइक का कितना फाइनेंस होगा, कितना डाउन पेमेंट हो जाएगा, कितना साल का होगा, सारा चीज़ हमने कवर करने वाले हैं। और ये बाइक आप लेना चाहते हैं अगर पटना से, तो उसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका सीट कंफर्ट, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक बाइक खरीदने आप जाते हैं जितना आपको चाहिए सारा चीज़ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहें। और उसके अलावा इसका गाड़ी का अगर फ्रंट हेड असेंबली से हम बात करें तो फ्रंट हेड असेंबली में आप देख लें तो कुछ ऐसा आपको सेटअप देखने को मिल जाता है, पूरा DRL है, पूरा मॉन्स्टर वाला आपको फील देने वाला है। उसके अलावा इसका टायर की बात करें तो टायर आप देख लेंगे तो रेडियल टायर आपको देखने को मिल जाए। टायर सेक्शन की बात करें 110/70 इंच के अलावा इस पूरा ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है। उसके अलावा इसका डिस्क पैनल की बात करें तो इसका डिस्क पैनल आपको 310 mm का मिल जाता है। और निफ्यन का इसका क्लैपर मिल जाता है। उसके अलावा ड्यूअल चैनल ABS इसमें प्रोवाइड करता है, और पूरा ब्लैक ही आपको बाइक देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा भी देखें तो पूरा ब्लैक फाइबर में फिट और फिनिश के साथ दिया गया है। उसके अलावा अगर राइट प्रोफाइल से देखते हैं तो राइट प्रोफाइल में आप देखें तो इसका इंडिकेटर देखने को आपको मिल जाता है, हैलोजन इंडिकेटर है। और यहाँ पर निंजा 500 का कितना अच्छा खासा ग्राफिक किया गया है। इसका पैनल की बात करें पूरा फ्रेम आपको फाइबर यूज किया गया, क्योंकि इसका वेट कम करने की वजह से इसका पूरा फ्रेम आपको फाइबर में मिलता है। उसके अलावा इसका इस राइट प्रोफाइल में देखते हैं तो आपको इंजन कुछ ऐसा पूरा सेटअप में पूरा फिट और फिनिश पूरा कवर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर राइडर के लिए फुट रेस्ट और ब्रेक देखें, रियर ब्रेक हो गया, रियर ब्रेक अवेल हो गया। यहाँ पिलियन के लिए फुट रेस्ट और इसका एग्जॉस्ट देख लें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, पूरा भी कवर है। इसका हम एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाने वाले हैं। उसके अलावा हम इसको रियल प्रोफाइल से दिखाते हैं तो रियल प्रोफाइल में आप देख लें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाएगा गाड़ी का रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की बात करें तो हैलोजन इंडिकेटर सेटअप मिल जाता है, और इसका LED रियल टेल लाइट मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं पिलियन का सेटअप, पिलियन का सीट एक ज़्यादा हाइट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला है, आपको पिलियन भी बैठ जाता है अच्छा खासा, उसका सीट कम्फर्ट मिलने वाला है। और राइडिंग का पोर्सन की बात करें तो बहुत अच्छा खासा राइडिंग पोर्सन आपको मिल जाएगा, पूरा राइडर के लिए अच्छा खासा वाइड सीट आपको देखने को मिल जाता है। आइए हम आपको इसका आपको राइडिंग पोर्सन पर हम दिखाते हैं बैठ करके कैसा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका सीट देख लें, बहुत अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला। दोनों साइड का मेरा पैर जमीन से अच्छा खासा अटैच हो जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप बाइक टूरिंग पे भी इसको देख रहे हैं लेने के लिए, या परफॉर्मेंस या सिटी हाईवे कहीं भी चलाना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होना, आप ये बाइक ज़रूर देख सकते हैं, अच्छा खासा प्राइस में आपको मिल रहा है। हम आपको सुनाने वाले हैं 500 निंजा का एग्जॉस्ट साउंड। इसका इंजन आप जानते हैं डबल सिलेंडर के साथ इसका इंजन आता है, सुनिए इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा आपको सुनने को मिलता है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसका एग्जॉस्ट आपको लाउड लगा कि नहीं। अब क्वासकी निंजा 500 का अगर हम की दिखाएं तो की कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। वेब डिज़ाइन में अगर की पर आप देखें तो क्वासकी का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसका की इंस्टॉल करके हम आपको दिखाते हैं तो कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ हमको दिखाता है। पहले की इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर फ्रंट से बात करें की ऑन करने के बाद इसका लाइट जो DRL सारा ऑन हो जाता है, ऐसा आपको कुछ लाइट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा हम इसका हजार के साथ आपको फ्रंट दिखाते हैं कैसा देखने को मिलता है, हजार के साथ कुछ ऐसा आपको देखने को साइड से दिखाते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा चलिए इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको हम दिखाते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप देख लीजिएगा तो हर चीज़ है जो आप एक राइडर को ज़रूरत है, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे जब इसका 1000 RPM क्रॉस करता है तो यहाँ पे इसका रेड लाइन का क्रॉस दिखाने लगेगा। उसके अलावा इसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, एवरेज कितना दे रहा है, यहाँ पे 19 एवरेज दिखा देगा, यहाँ पे कितना जितना चल रहा है उसके हिसाब से आपको एवरेज यहाँ पे इंडिकेट करने वाला है। उसके अलावा इसमें गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है वो भी बताएगा, टेम्परेचर गाड़ी का, जो यहाँ पे वाईफाई का आप देख रहे ब्लिंक एक ऐप आता है कवासाकी का, उसी के ऐप से कंट्रोल हो जाएगा, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें ब्लूटूथ नहीं आता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको मैनुअली जाना पड़ेगा पासवर्ड के लिए, तो जो इसका सर्विस बुक आता है उसमें 32 पेज नंबर पर जाके इसका पासवर्ड वहाँ पर आपको मिलेगा, तो वो चीज़ आपको जानकारी ले ले। उसके अलावा यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग का मिल जाएगा, ABS सारा चीज़ इसमें कंट्रोल करने का आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं गियर शिफ्टिंग, अगर गियर लगाते हैं तो यहाँ पे इसका शिफ्टिंग वगैरह दिखाने देखने को आपको मिल जाएगा गाड़ी में।
न्यूट्रन में है जो सारा चीज़ आपको दिखने लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ABS का इंजन का, उसके अलावा बात करें इसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज वगैरह हो गया, कितना गाड़ी किलोमीटर, ऑडोमीटर में सारा चीज़ दिखा, ट्रिप ए ट्रिप बी हर चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगा, कितना गाड़ी किलोमीटर का सारा चीज़ कवर करने वाला है। उसके अलावा ये डिस्प्ले की बात करें तो LCD डिस्प्ले है, और इसका लाइट कुछ प्रोवाइड आपको दिखाते हैं कैसा करता है, तो लाइट कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड करता है, नाइट नहीं है तो वहाँ परचेस नहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा इसका राइट हैंडल में बात करें क्या क्या दिया गया, तो राइट हैंडल में बात करें आप इंजन किल स्विच हो गया, सेल्फ स्टार्ट बटन, उसके अलावा लेफ्ट प्रोफाइल में देखिए तो हाई लो बीम हजार्ड और इंडिकेटर और आर एन दिख रहा है, लाउड दिया गया है, कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाता है, LCD डिस्प्ले है। उसके अलावा फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको 14 लीटर का मिल जाता है और कैपेसिटी हो गया। उसके अलावा इसके एवरेज की बात करें तो 20 KMPL का एवरेज मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक राइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको E5 E10 का स्टिकर मिल जाता है, और ये बात करें इसका फ्यूल इंजिनेशन का कैसा की स्विच मिलता है तो कुछ ऐसा ओपन होने वाला है, निंजा का कुछ ऐसा प्रोफाइल। उसके अलावा इसका मिरर देख लें तो अपने हिसाब से मिरर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा ओपन भी हो जाता है और पूरा इस शेप में भी इसको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख लें लेफ्ट प्रोफाइल में तो कुछ ऐसा आपको ग्राफिक किया गया होगा, निंजा 500 का पुल ब्लू और वाइट में। इसके अलावा फ्यूल टैंक पर बात करें तो फ्यूल टैंक पर भी आपको कवासी का, और इसका सेटिंग पोर्शन देख लेंगे तो सेटिंग पोर्शन आपको दिखा रहे हैं कि सेटिंग पोर्शन बैग को कैसा होने वाला तो दिखा। इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसका इंजन पहले आप देख लें, इसका इंजन कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जा रहा है, पूरा इंजन आपको ड्यूल सिलेंडर इंजन है। उसके अलावा इसका फ्रेम देख लें, पूरा कवर किया गया है इंजन को। उसके अलावा इसमें होगा परफॉर्मेंस का बात करते हैं, इसका 12 सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन DOSC और 8 वेल्व के साथ इसका इंजन आपको देखने को मिल जाता है। अगर इस पर BHP का बात करते हैं कि कितना BHP आपको ये इंजन प्रोवाइड करता था, मैक्स पावर की बात करते हैं 44.7 BHP और RPM इस पर देखें तो 9000 RPM जनरेट करके गाड़ी आपको देखने को मिल जाता है। और टर्क की बात कीजिएगा, इस गाड़ी का कितना टर्क आपको देखने को मिल जाता है, तो टर्क देखें तो इस पर 42.6 NM और RPM देखेंगे तो इस पर 6000 का RPM जनरेट करके दे देता है। अगर आप 400 का बात करते हैं, उसका अगर इंजन आपको ले आता था तो कितना आता था, तो उसे इसका इंजन देख रहे हैं परफॉर्मेंस में अच्छा है क्योंकि बताते हैं BHP तो देखें तो सेम है, RPM देखें तो उससे अच्छा खासा इसका RPM दिया गया, उसका RPM इसमें मिलता था 37 NM का और इसका RPM आपको देखें तो 42 NM का टॉर्क मिल जा रहा है, तो उससे अच्छा खासा इसका इंजन परफॉर्मेंस हो गया है। ड्यूल सिलेंडर है तो देख लें यहाँ पर सिलेंडर पूरा प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर इसका रेडिएटर हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात किया जाए तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इस गाड़ी का सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट आपको 785 NM देखने को मिल जा रहा है, बहुत अच्छा खासा इसका सीट पोर्शन है, बहुत हाइट भी बहुत अच्छा खासा है, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको सीट हाइट से इसका प्रॉब्लम होने वाला। उसके अलावा गाड़ी का टोटल कॉर वेट की बात किया जाए तो 171 kg का इसका गाड़ी का कॉर वेट है, जो बहुत अच्छा खासा है, ज़्यादा वेट भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला है, और उसका कम वेट होने की वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और माइलेज भी इंक्रीज हो जाता है। और गाड़ी का अगर हाइट देखें तो 1120 mm का गाड़ी का हाइट टोटल देखने को आपको मिल जा रहा है। और रियर सस्पेंशन देखें इस गाड़ी में तो रियर सस्पेंशन आप देखिएगा तो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जा रहा है। और गाड़ी का डिस्क पैनल की बात करें, रियर डिस्क कितना mm पे देता है तो रियर डिस्क देख लें तो 220 mm का रियर डिस्क आपको देखने को मिल जा रहा है। और एग्जॉस्ट का कुछ ऐसा है प्रोफाइल से आपको दिखा दिए, लेफ्ट प्रोफाइल से कुछ ऐसा आपको बाइक देखने को मिल जा रहा है और राइट प्रोफाइल से, और ये फ्रंट से हो गया, और गाड़ी का राइट प्रोफाइल से दिखा दें तो राइट प्रोफाइल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जा रहा है। आज हम आपको कवर करने वाले हैं निंजा 500 का एक्सोरूम प्राइस, इसका एक्सोरूम प्राइस है 5,24,000। बात करते हैं अगर निंजा 400 का, उसका भी एक्सोरूम प्राइस 5,24,000 था। दोनों के इंजन में देख ले, इससे उससे अच्छा खासा पावरफुल इंजन इसका मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसे कितना डाउन पेमेंट बनता है, सर क्या डाउन पेमेंट इस पर बनेगा? इसका 30% आएगा ऑन रोड का, आपका ऑन रोड प्राइस का 30% डाउन पेमेंट। हाँ 30%। अब बात करते हैं सर 12 मंथ का क्या ईएमआई हो सकता है, 12 मंथ का भी ईएमआई बन जाएगा? बनेगा, कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर है। 24 मंथ का भी होता है, 36, 48 और 60। अब फाइनेंस के लिए पेपर क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अपडेट, आपका करंट 6 मंथ PDF में दीजिएगा, और आपका इलेक्ट्रिक बिल, मतलब आप इनकम प्रूफ दे दीजिए, ID प्रूफ दे दीजिए, गाड़ी लोन आपको मिल जाएगी गाड़ी। सर किसी कोई स्टूडेंट हो पटना में या प्रॉपर उसका घर नहीं है, फिर उसके लिए क्या पेपर चाहिए? उनको एक फिर रेंट एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट का। हाँ, या बिजली बिल आपको आउट बिहार कहीं भी हम करेंगे, आप लोन करवा देंगे, लोन हो जाएगा।
बात करते हैं सर शोरूम का डिटेल्स कुछ बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं। शोरूम अपना अभी तो ये फोर्ड स्कूल के पास है खेमनी छत, नया वाला शोरूम ये चेंज हो जा रही है, ठीक है। ये आपका चल जाएगा दस हफ्ता सिपाड़ा पुल के बस जो दो मकान आ गए पुल से उतरते के साथ। अपना नंबर अपडेट कर दीजिए 6203969002। हमने आज सारा चीज़ कवर कर दिया कि इसका क्या डाउन पेमेंट होगा, तो ऑन रोड प्राइस का 30% आप डाउन में पेमेंट करके ले सकते हो। उसका अमाउंट डिपेंड भी करेगा, अगर सिविल आपका अच्छा तो थोड़ा और इसका डाउन पेमेंट कम हो जाए। हाँ सही बात है, तो आपको 100% लोन जाती है। हाँ तो वही है, डाउन पेमेंट सिविल पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका ऐसे सिविल होता तो थोड़ा डाउन पेमेंट आपका और कम हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम शोरूम का डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, सर का भी नंबर वहाँ अपडेट कर देंगे। सर नाम क्या होगा आपका? अभिषेक शर्मा। सर आइए मिली एक बार अच्छे से, फाइनेंस भी सर बहुत अच्छा करते हैं। उसके अलावा सर बुकिंग चार्ज क्या होता है गाड़ी पे? मिनिमम 11,000। हाँ बुकिंग चार्ज ऐसा है कि गाड़ी का आपको कब दे सकते हैं, टाइम क्या लगता है, टाइम पीरियड? वो आपका वेटिंग पीरियड देखने के बाद, स्टॉक का कैपेबिलिटी उसके बाद ही ऐसा। हम हैंड टू हैंड कम से कम 2 दिन समय लेंगे आपका नंबर। 2 से 3 दिन में आप गाड़ी छोड़ देते हैं? जी जी। ओके थैंक यू। आज हम आपको कवर किए हैं निंजा 500 का, इसका हर चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसका एग्जॉस्ट साउंड, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 400 से बेटर है कि नहीं है, सारा चीज़ पे हमने कवर कर दिया। इसका प्राइस, इसका कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके बाइक ले, सारा चीज़ पे हमने कवर कर दिया। और आप यहाँ तक वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय।